हेलो व्यूवर्स, जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो व्यू कर रहे हैं वो लाइक कर दें। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ यूट्राइड फाइब्राइड की होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ यूट्राइड फाइब्राइड क्या है, उसकी सिम्टम्स, और इस वीडियो में मैं बता रही हूँ यूट्राइड फाइब्राइड की होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। फाइब्राइड क्यों होता है, इसके तो काउजेज अननोन है, बट कुछ काउजेज है जैसे जेनेटिक, ज़्यादा ऑबेसिटी होना, आपके फैमिली में किसी को है फाइब्राइड्स, तो फाइब्राइड होने के चांसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। यूट्राइन फाइब्राइड अगर ज़्यादा सेंटीमीटर है तब भी कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते, अगर 1 सेंटीमीटर के हैं तभी पेशेंट में सिम्टम में देखने को मिल जाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन। फर्स्ट मेडिसिन है फ्रैक्शनेस। फ्रैक्शनेस को यूट्राइन टॉनिक कहा जाता है, ये बेस्ट मेडिसिन है यूट्राइन के लिए। 20 बूंद फ्रैक्शनेस को 20 बूंद दिन भर में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम, बिफोर मील, खाना खाने के 1 घंटा पहले इस मेडिसिन को लेना है 1/2 कप पानी के साथ। दूसरी मेडिसिन है थूजा। थूजा 200, इसे 2 बूंद करके दिन भर में 2 बार लेना है, एक सुबह खाली पेट, एक रात में सोने से पहले। और तीसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर 6x। कैल्केरिया फ्लोर 6x का 4 टैबलेट 4 बार यूज करना है, सुबह, दोपहर और शाम और रात। इस मेडिसिन को अगर ल्यूकवार्म वाटर के साथ यूज करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। इसे 1 चम्मच ल्यूकवार्म वाटर के साथ इस टैबलेट को ले तो बहुत ज़्यादा वर्क करती है इस मेडिसिन। और चौथी मेडिसिन है थाल्पिस बुरशा। थाल्पिस बुरशा उस पेशेंट को यूज करना है जिसे हेवी ब्लीडिंग होती है और ज़्यादा मेंसेस होता था, आपको ब्लीडिंग हो रही है तो तब इस मेडिसिन का यूज करें। ब्लीडिंग के साथ आपको ज़्यादा क्लॉटिंग है, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग नहीं है, अगर नहीं है तो इस मेडिसिन का यूज नहीं होगा। जिस पेशेंट को हेवी ब्लीडिंग होती है तब इस मेडिसिन का यूज करते हैं। के साथ हेवी ब्लीडिंग हो जिस पेशेंट को, उस पेशेंट में इस मेडिसिन का यूज होगा, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो इस मेडिसिन का यूज नहीं होगा। यूट्राइन फाइब्राइड के लिए 3 मेडिसिन यूज करें, फ्रैक्शनेस, कैल्केरिया फ्लोर और थूजा। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है तब आप थाल्पिस बुरशा का यूज करें। ये आपके यूट्राइन फाइब्राइड्स कितने साइज का है उस पर डिपेंड करता है, अगर कम है तो आपका 1 से 2 महीने के अंदर ये ठीक हो जाएगा, अगर ज़्यादा साइज़ के हैं तो आपको 6 मंथ से लेकर 1 साल तक भी यूट्राइन फाइब्राइड्स ठीक होने में समय लग सकता है। बट आपको ये 3 मेडिसिन आपको रेगुलर खाना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।